हम सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय यह भारत का मूल संप्रदाय होने के साथ साथ माटी के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है। मातृभूमि के प्रति, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, इस भाव को अंगीकार करने वाला समुदाय है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और इसी भाव के साथ जब ये देश गुलाम था, उस कालखंड में भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देकर के देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आज उनका 150वां जन्मदिन है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर की तिथि को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर करने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में आज प्रदेश से भी और देश के भी अलग अलग भागों से यहां पर जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के इस एग्जीबिशन के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से इस चलने वाले कार्यक्रमों में भागीदार बनेंगे। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हमारा जनजातीय समुदाय उसकी कला, उसकी परंपरा, उसके अंदर जो एक धरती के प्रति, इस धरती माता के प्रति जो अनुराग का भाव है, इसको सम्मान देने के लिए आज डबल इंजन सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रहे हैं और खासतौर पर जब हम देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी, जनजातीय समुदाय बहुत सारी योजनाओं से वंचित था। उससे पहले की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बन पाया था और इसीलिए सरकार ने एक अभियान चलाया कि चाहे वह थारू हो, कोल हो, चेरो हो, गौड़ हो, बुक्सा हो, ये जितनी भी ये जातियां होंगी, इन सभी के लिए हम लोग सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। और मुझे इस बात की याद प्रसन्नता होती है कि सिचुएशन की यानी सभी योजनाओं से उन्हें संतृप्त करने के लिए जो अभियान हम लोगों ने 2017-18 में प्रारंभ किया था, आज वह पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वनों के अंदर रहने वाले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्वाह करने वाले अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के साथ साथ अपनी माटी के साथ अनुराग रखने वाले इन बंधुओं ने ही भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की। और देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनजातीय समुदाय रहता है कम या ज्यादा संख्या में, सर्वाधिक सोनभद्र से हैं। शेष अन्य जनपद ऐसे हैं जहां पर कम या ज्यादा मात्रा में लोग रह करके उन्हें समाज के साथ
योजनाओं की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, हर घर शौचालय की योजना से आच्छादित किया जा रहा है, ग्रीन ईंधन के रूप में उन्हें एलपीजी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन से उन्हें आच्छादित किया जा रहा है, हर जरूरतमंद के पास अपना राशन कार्ड हो, हर जरूरतमंद के पास 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का एक कवर उसको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। जहां ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं, वहीं साथ साथ वीर एकलव्य के नाम पर चलने वाले विद्यालयों की भी एक लंबी श्रृंखला उन सभी क्षेत्रों में स्थापित करने के कार्यक्रम और आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके बच्चों को आधुनिक अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन योजनाओं का परिणाम है ये, उनमें से बहुत सारे लोग आज समाज और राष्ट्र के द्वारा चलाए जाने वाली इन योजनाओं का लाभ लेकर के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। एक तरफ उन्हें आर्थिक रूप से समृद्धि के पथ पर अग्रसर करना, लेकिन साथ साथ उसकी विरासत और उनकी संस्कृति हर हाल में सुरक्षित रहे, उसे संरक्षित करने के लिए भी सरकार के स्तर पर अलग अलग स्थानों पर योजना बनाई जा रही है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी हमें हमारी विरासत से कहीं ना कहीं उससे छुटकारा दिलाती है, लेकिन हमें तकनीक अपनानी है, लेकिन अपनी विरासत से मोहभंग नहीं होने देना है। और इसी बात को लेकर के सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम आज इस रूप में आ रहा है। इमलिया कोडर जनपद बलरामपुर में एक भव्य म्यूजियम बना है, मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग वहां पर उस म्यूजियम के माध्यम से जनजातीय समुदाय के जुड़ी हुई संस्कृति, उनकी परंपरा, प्राचीन काल से उनकी क्या क्या पद्धतियां रही हैं, इन सबको वहां देख सकते हैं। बहुत अच्छा म्यूजियम वहां पे बना हुआ है। संस्कृति विभाग ने समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाया है। ऐसे ही सोनभद्र में भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम सरकार युद्ध स्तर पर, डबल इंजन की सरकार इसको बनाने का काम कर रही है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में रह रही है, उनके लिए भी शासन की योजनाएं वहां तक पहुंच जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जहां सोनभद्र में आश्रम पद्धति विद्यालय का जो लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जहां उसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, वहीं साथ साथ बिजनौर के बुक्सा जनजाति से जुड़े हुए लोगों को भी योजनाओं से आच्छादित करने का जो क्रम हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के दौरान प्रारंभ किया था, आज वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। हर हाल में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त हो, यह किसी भी सरकार की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं भावों के साथ इस देश के अंदर देशवासियों को एक मंत्र दिया था, और वो मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का। इस सबका साथ और सबके विकास का भाव यही है कि हम लोग जितने भी जरूरतमंद नागरिक हैं, अगर वह किसी एक योजना से आच्छादित नहीं हो पाया है, उस तक वह योजना पहुंचाना करके उसके जीवन स्तर को उठाना। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आज हम लोगों ने तय किया है कि जनजातीय समुदाय हो, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए समुदाय हो, अति पिछड़ी या पिछड़ी जाति से या अन्य नागरिक जो भी अब तक शासन की विभिन्न योजनाओं से अगर अभी भी वंचित है, उस तक
हम उन योजनाओं को पहुंचा करके जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी को सर्वथा मुक्त करने के ऐसे समाज की व्यवस्था के लिए हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र इसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। आज का यह दिवस हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। अगले कुछ समय तक यह कार्यक्रम यहां पर 15 से लेकर के 20 नवंबर तक 6 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी जो दिवस है, यह इस अवसर पर यहां पर आज संचालित होगा। इसमें हम मुझे जानकर के प्रसन्नता है कि 22 राज्यों के कलाकार इस पूरे अभियान के साथ यहां पे जुड़ेंगे और साथ साथ स्लोवाकिया एवं वियतनाम के कलाकार भी इसमें भागीदार बने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी के माध्यम से हमें जनजातीय समुदाय को देखने और उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जब भगवान बिरसा मुंडा की 52वीं जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर अपने पूरे जनजातीय समुदाय को, पूरे प्रदेशवासियों को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं और भगवान बिरसा मुंडा के उन उच्च आदर्शों से हम प्रेरणा प्राप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।